आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के क्लास में। और क्लास स्टार्ट करवाने से पहले आप सभी को एक बात बोल दूं कि आज रात को 3 बजे ना एक क्लास और देंगे आप सभी को, क्योंकि मुझे सब कुछ आपको पढ़ा कर भेजना है एग्जाम से पहले। आप सभी पूरा मेहनत करिए, आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितना पढ़ा रहे आप सब पढ़ लीजिए, ठीक है, रात को 3 बजे। और मैं नहीं बोलूंगा ना कि आप सभी अपना नींद खराब कर ये क्लास देखिए, सुबह में ये क्लास देख लीजिएगा, लेकिन रात को 3 बजे ना एक क्लास आपको और देंगे, लाइव क्लास, ठीक है। मत जगना भाई, मैं क्लास दे दूंगा, आप सुबह आप देख लीजिएगा, ठीक है। और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 2000 क्वेश्चन 10 दिन में कंप्लीट करवाएंगे आपको। और पहले आपको 1600 क्वेश्चन करवा चुके इंपॉर्टेंट, प्लस आप सभी 99 में ना ये स्टैटिक जीके का सारा टॉपिक ले लीजिएगा। जितना भी टॉपिक आपको दिख रहा है ना, ये सब टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और सब टॉपिक मैंने आपको करवाया, इंक्लूडिंग रामसर साइट हो, टेनिस हो, सब करवा चुके हैं। अभी 6-7 टॉपिक मेरे दिमाग में चल रहा है जो आपके एग्जाम से पहले हमको करवा देना है। जैसे आपका पूरे राज्य में किस राज्य में कितना जिला है, सबमिट वाला क्वेश्चन, या फिर हाइड्रो पावर प्लांट, या फिर आप जितना 7-7 टॉपिक है वो मैं आपको करा दूंगा। और एक बात याद रखिएगा, आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, पढ़ा सब क्वेश्चन पढ़ लो। आप देख भी पा रहे होंगे ना भैया, कल के फिर क्लास से ना 5 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में फंस गया। आप ना अगर, और ये क्लास मैं किसके लिए करवा रहा हूं, मजे के लिए नहीं करवा रहा हूं। अगर इतना मेहनत कर रहे हैं तो मजे के लिए नहीं दे रहे हैं कि आपको फटाफट सब कंटेंट दे रहे हैं, तो मजा करवाने के लिए नहीं। जो दिन रात घर में बैठकर मेहनत कर रहा है ना, सोच रहा है मेरा जिंदगी में क्या होगा, उसके लिए करवा रहा हूं। और फटाफट क्लास को अटेंड करिएगा और कोशिश करिएगा। और 161 नंबर क्वेश्चन तक आपको मैंने करवा दिया है, 161 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है, काला आजार किसके कारण होता है और भारतीय संविधान की प्रयोग समिति का अध्यक्ष कौन था। फटाफट आंसर बोलना आप सभी जल्दी से, और टाइमर ज्यादा मत लेना, जल्दी फटाफट एकदम जितना क्वेश्चन करवा रहे सब कर लीजिए निश्चित रूप से। अब बोलेंगे भैया इतना मेहनत हम नहीं कर सकते, फिर तो बात ही खत्म हो गया, फिर तो रामसर साइट का पीडीएफ नहीं दिए भैया, नहीं दिए ना, दे दूंगा आपको। आपके एग्जाम सेंटर से पहुंचने से पहले आप नाम लोगे कि जीतू भैया सब पढ़ाकर हमको भेजे थे एग्जाम में, आप बस पढ़ते रहिए। इसका आंसर फटाफट वायरस आंसर आने भी लगा, प्रोटोजोआ होगा भाई, वायरस नहीं होगा, बिल्कुल आंसर वायरस नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, प्रोटोजोआ। और एक बात, इसका कौन है, तो इसका आप सभी को पता होगा, B.R. अंबेडकर। फटाफट 70-80% क्वेश्चन आपको आता है, जो 20-25% क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको देखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या, जल्दी से, और टाइमर स्टार्ट होता है आप सभी का अब। हर क्वेश्चन में अपने आप को जज करना है। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय सेना का रक्षा कर्मचारी का प्रमुख कौन है। दूसरा क्या बोला है, कथक नृत्य किस राष्ट्र से संबंधित है। तीसरा क्या बोला है, डायनामाइट का इन्वेंटर यानी इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। जल्दी फटाफट, पहला का आंसर किसी को दिक्कत होगा, एकदम दिक्कत नहीं होगा भैया, बिपिन रावत। कौन है, और आपको पीडीएफ में आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, बिपिन रावत। ये कथक जो है वो किस राज्य का है, तो भैया उत्तर प्रदेश का। अगर एग्जाम में बोले कथक कली किसका है, तो कथक कली किसका है, करवा दिए ना केरल का। कथक कली के अंदर कितना रूप, कितना फॉर्म होता है, 5, सब करवा चुके हैं। अब बताओ डायनामाइट का आविष्कारक कौन है, ये आपको बताना है जल्दी से फटाफट। अल्फ्रेड नोबल, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, एकदम कमेंट ना आप करते फटाफट करना, और सभी किए हैं, बिपिन रावत, अल्फ्रेड नोबल, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। क्या नाम है इनका, अल्फ्रेड नोबल। कब किया गया था, 1866 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिपिन रावत, बिपिन रावत, अल्फ्रेड नोबल, निखिल शर्मा, एनएस, क्या बात है भाई। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर एकदम क्वेश्चन याद रखना, एशियन युवा खेल कहां पर होने वाला है, 21 वाला, तो एकदम याद रखिएगा, ये चाइना में होगा, ठीक है। उसके बाद काला हिरन किसका वैज्ञानिक नाम है आप सभी का, तो एकदम याद रखना आप सभी। अगला क्या बोला है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया था, उसके बाद रजनीकांत को दिया गया था, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। अगर बोलेगा लास्ट यानी ठीक हाल फिलहाल में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया, तो अमिताभ बच्चन मत बोलना, अमिताभ के बाद रजनीकांत को भी दिया गया है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने और इसके लिए टाइमर स्टार्ट होता है आप सभी का, पॉज रीसेट और काउंट, अरे पॉज करो ना, क्या हो रहा है, चलो इसका आंसर बताना है आप सभी को। भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कहां है, कहां पर होता है? आप सभी को पता होगा ना यूरेनियम का परमाणु संख्या क्या होता है, एटॉमिक नंबर 92, ठीक। उसके बाद चौथा खेलो इंडिया का तीसरा संस्करण, ये गलती हो गया ना, ये गलती हो गया ना, क्या गलती हो गया भैया, ये तीसरा नहीं चौथा संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक रे का आविष्कारक कौन है, फटाफट आंसर आप देते रहना, जज करते रहो, पहला का आंसर क्या होगा बताओ। अच्छा यहां पर बोला है इंडिया, अगर बोले ना विश्व भर में सबसे ज्यादा यूरेनियम कहां पर होता है तो कजाकिस्तान, ठीक। इसका आंसर क्या होगा, हरियाणा, हरियाणा क्या होगा, हरियाणा में आयोजित हुआ है, ठीक। और इसका आंसर क्या होगा जल्दी से, हरियाणा झारखंड नहीं होगा, झारखंड नहीं हरियाणा चौथा, जज करते रहना भाई, जज करते रहना हर सवाल में, फटाफट कौन, आंध्र प्रदेश, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है भाई, एकदम। जितने लोग भी आंध्र प्रदेश बोल रहे हैं ना उनका आंसर पर एग्जामिनर ना उंगली भी नहीं लगा सकता है, एकदम उंगली लगाई भी नहीं करेगा। और इसका बता दो जल्दी से आप सभी, क्या बात है भाई, कमेंट ऑलरेडी आ चुका है भैया, रुडोल्फ हर्ट्ज, रुडोल्फ हर्ट्ज, एच ई आर टी जेड। अच्छा कब किए थे आविष्कार, 1867 में। ये सब पीडीएफ में मैं डाल दूंगा, आप सभी बस देखते रहना, ठीक है, एकदम रट्टा मारते चलिए आप सभी। वित्त आपातकाल में भारत संविधान ने, अच्छा अगर पैसे की कमी हो तो आपातकाल जो लगता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है भैया, आप याद करवाए हैं ना, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो 352, अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है 356, और वित्त लगेगा तो 360, एकदम याद है भैया, इसको लेकर आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा फोंडोंग मठ कहां पर स्थित है, तो सिक्किम में, कहां पर आपका, सिक्किम में स्थित है। उसके बाद 2020 में ISF यानी शूटिंग में एक नंबर पर कौन सा कंट्री रहा है, तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछ दे तो आप एग्जाम में बोलकर आइएगा हमारा भारत, और एग्जाम में अगर पूछे आपसे ये भी ना कि 2021 में जो शूटिंग का वर्ल्ड कप हुआ ना ये कहां पर आयोजित किया गया, तो इंडिया में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, याद करिएगा मैंने क्या बोला, मैंने बोला ना भैया जो शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था वो कहां पर आयोजित किया गया है, तो इंडिया के नई दिल्ली में, याद रहेगा ना क्वेश्चन, क्वेश्चन एकदम क्वेश्चन भूलना मत भाई आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है और टाइमर आपका स्टार्ट होता है अब। यहां पर बोला है लक्षद्वीप पर किस न्यायालय का अधिकार है, आंसर बोल देना आंसर, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक एक नंबर पर जापान और इंडिया का रैंक बताओ आप सभी, कितना बार बताएं, अनुच्छेद 156 किससे संबंधित है, जल्दी जल्दी फटाफट, क्या बात है भाई 84, बहुत बार करवाएं, बिल्कुल इंडिया का रैंक क्या 84 और एक नंबर पर आपका जापान, जल्दी से कर्नाटका नहीं होगा रोहित, कर्नाटका नहीं होगा रोहित, इसका आंसर क्या होगा केरल होगा, केरला, ठीक है, केरला, केरला में ना जो लक्षद्वीप है अपना मामला साझा करता है केरल हाई कोर्ट में। अच्छा केरल हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, सुबह 8 बजे वाले क्लास में सब याद करवाएं भैया, उनका नाम ना एस मणि कुमार है, क्या नाम है एस मणि कुमार, दिख रहा है साइड में नहीं कट रहा है ना, एस मणि कुमार है, ठीक है, और इसमें भारत का रैंक कितना है 84 और अनुच्छेद 156 किससे संबंधित है, अनुच्छेद में कोई क्वेश्चन छूटेगा हो ही नहीं सकता, बहुत करवा दिए अनुच्छेद वगैरह, राज्यपाल 5 साल के लिए अपने पद पर जमे रहेंगे बैठे रहेंगे, इसी का जिक्र किया गया है आपका अनुच्छेद 156 में। मैंने क्या बोला भैया, गवर्नर जो अपने पद पर बैठे रहते हैं ना 5 साल के लिए, उसी का जिक्र ना अनुच्छेद 156 में किया गया है, बोल दिए ना, क्या बोले भैया, आप बोले ना भैया जो गवर्नर होता है ना वो 5 वर्ष के लिए अपने कुर्सी पर बैठे रहता है, इसी का जिक्र किया गया है भैया अनुच्छेद 156 में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, किस वर्ष तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था, 2014 भैया, कोई दिक्कत नहीं है,
उसके बाद कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? अच्छा, इसका नाम एक बात समझिएगा आप सब, पहले देखते इस क्वेश्चन को। कृत्रिम साधनों द्वारा मछली के प्रजनन पालन और प्रत्यारोपण को क्या कहता है? मछली पालन कहते हैं, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर मछली पालन कहा जाता है। अब सुनो मेरा बात, ये वाला एकदम नाम याद रखना, ऑप्शन में आपको एक भी ऑप्शन दिखे आप मार कर निकल जाना। अच्छा, कौन सा नदी ना बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गोदावरी, महानंदी, ब्रह्मणी नदी और बेताड़ी नदी और कृष्णा, एकदम याद रखना, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए बाबू। मेहनत करेंगे, रिजल्ट कैसे नहीं आएगा हम देखते हैं, मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन मेहनत में जान तो होना चाहिए ना, मेहनत में जान दिखाओ एकदम। भैया सब पढ़ करना, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री 1947 में कौन था? जब भारत आजाद हो रहा था उस समय अंग्रेज का प्रधानमंत्री कौन था? एकदम पता है भैया, क्लेमेंट एटली। अच्छा एक चीज और पता है क्या भैया? जब साइमन कमीशन भारत आया था ना, अच्छा साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो भैया गठन किया गया था 1927 में। और साइमन कमीशन जब पता है भारत कब आया था भैया? तो भारत वो आया था, भारत कब आया था? तो भारत आया था भैया फरवरी 1928 में। और जब ये भारत आया था ना, तो इस समिति के अंदर ना टोटल 7 मेंबर थे। एग्जाम में पूछता है कि टोटल कितने सदस्य आए थे साइमन कमीशन में, तो 7 गो। और 7 में ना आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि साइमन कमीशन के मेंबर में ना कमेटी में एक ऐसा आदमी था जो अंग्रेज का प्रधानमंत्री बना, क्या नाम था? क्लेमेंट एटली। वो भी आया था साइमन कमीशन में, ठीक है। वर्ष 2020 का ओडीआई क्रिकेटर किसे दिया गया? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विराट कोहली को दिया गया, ठीक है। और अगर एग्जाम में आपसे बोले आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, दशक का क्रिकेटर किसे दिया गया है, तो उसका आंसर भी ना भैया विराट कोहली होगा। सुन लो ध्यान से मेरा बात आप सभी, 2020 का आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड विराट को दिया गया है, दशक का क्रिकेटर का अवार्ड विराट को दिया गया है। आगे सुनिएगा मेरा बात, अब एग्जाम में बोले ना, मैंने आपको बताया कि दशक का क्रिकेटर का पूरा पुरस्कार विराट को, वनडे का विराट को, अब बोले टेस्ट प्लेयर ऑफ द दशक का अवार्ड, तो ऑस्ट्रेलिया का स्टीव स्मिथ का, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को दिया गया पुरस्कार। देखते हैं ना, लेग स्टंप पूरा छोड़ खेलता है फिर भी आउट नहीं होता है। उसके बाद अगर बोले आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड, देखो वनडे का विराट, टेस्ट का स्टीव स्मिथ, T20 का राशिद खान अफगानिस्तान का। अच्छा अगर महिला में पूछ लेना, महिला में याद रखिएगा आप सभी, अच्छा महिला का नहीं है, पहले आप ये सुन लो कि ना दशक का आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का अवार्ड तो MS को मिला है, ठीक है, माही को मिला है, एकदम याद रखिएगा आप सभी। अगला सुनो मेरे पास, अब पुरुष क्रिकेट होता है तो महिला भी होगा, तो महिला क्रिकेट का किसको दिया गया है? तो एलिस पेरी को दिया गया है। ये कहां की है? बहुत लाजवाब प्लेयर है, बहुत लाजवाब, ऑस्ट्रेलिया की है। तो एलिस पेरी को दिया गया है वनडे, टेस्ट और क्रिकेट तीनों का महिलाओं को, ठीक है। अगला सुनो, संसद के महाभियोग में किस सदन की पहल किया सकती है? आंसर बोल दीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। उसके बाद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड वर्तमान महानिदेशक कौन है? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है जल्दी से भैया, हम लोगों को भी टाइम दीजिए, बिल्कुल टाइम देंगे भाई। चलो दोनों का आंसर बताना क्या होगा, दोनों सदन में ना क्या होगा बताओ जल्दी से आप सभी, और कमेंट करना भाई आप सभी, क्योंकि आप सभी को ही एग्जाम देना है, हमें एग्जाम नहीं देना है, मैं तो आपको सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रटवा दे रहा हूं, जल्दी से कॉमेंट्स बहुत लेट चल रहा है ना। क्या बात है भाई, भैया मैथ का क्लास कब लोगे? लेंगे बोले ना किसी भी सदन में भैया, अमृतवाणी, बिल्कुल बाबू, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, किसी भी सदन में याद रखिएगा, किस, बहुत सही बोला मेरा भाई, किसी भी सदन में।
राज्यसभा चाहे लोकसभा किसी में, तो आप बोल सकती उसको ना बोथ, यानी कि दोनों में, ठीक है। अगर आपसे एक चीज पूछे ना, क्या बोला है, सदन के महाभियोग किस सदन के पहल की जाती है। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, ये चीज जो बताया गया है कि दोनों में, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है, तो आप याद रखना मेरे साथ साथ अनुच्छेद 61 में ना इसका जिक्र है। इसका आंसर बताओ, आप बोलेंगे भैया याद है इसका आंसर, एम ए गणपति, क्या होगा एम ए गणपति, याद रखिएगा। कोई मेरा भाई बोल रहा है क्या आंसर है एम ए गणपति, जल्दी से 1800 एकदम आंसर दे देना भाई। एक तो भैया आज रात 3 बजे कौन सी क्लास होगी, यही वाला क्लास पूरा कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है ना, क्या बात है भाई, एम ए गणपति बहुत बढ़िया, 1986 कमेंट भी कर दिया मेरा भाई, क्या बात है भाई, एकदम याद रखिएगा 1986 में गठन किया गया था किसका, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ऑफ इंडिया का, ठीक है, सभी कम से कम याद रखना। चलो अब सुन लो मेरे यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर क्या बोला है, सीआईएसएफ का बोल रहा है ना, सीआईएसएफ बोल रहा है, सीआरपीएफ बोल रहा है, अरे भैया याद कर दिए आप, पढ़ा दिए भैया, कैसे पढ़ाए भैया, देखो मेरा बात सुनो पहले, अगर हमको सीआईएसएफ बोले ना तो हमको याद है 1969 में इसका गठन किया गया था, और इसके प्रमुख ना भैया सुधीर कुमार सक्सेना है, कौन है भाई, सुधीर कुमार सक्सेना। अच्छा उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है ना भैया हमारे सामने सीआरपीएफ को लेकर बोला है, सीआरपीएफ का गठन ना 1939 में किया गया था, और इसके प्रमुख का नाम क्या है आपका, कुलदीप सिंह, ठीक है याद रखिएगा। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, कोई किसी को डाउट। अब ना मुझे एक चीज देखना है, इस सवाल में गलती कौन बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है इस सवाल में, ये सवाल कितना बार एग्जामिनर आपसे पूछा है, कितना एग्जाम में, सीआरपीएफ बिल्कुल भाई, आरावली रेंज, क्या बात है यार, क्या बात है, मेहनत में कोई कमी मत रखना, ठीक है, मन को ना बहुत स्ट्रांग रखो तब एग्जाम निकलेगा। आपको भी लग रहा होगा ना भैया बहुत जो जो टॉपिक एग्जाम में आता भैया सब करवा दे रहे हैं, लेकिन ना भैया कुछ छोड़ नहीं रहे, सब पढ़ा रहे हैं, तो एक काम करते हैं ना, नहीं पढ़ते हैं हम, और टीचर देखते हैं जो ना 400, 700, 800 क्वेश्चन करवा रहा है, क्योंकि वहां पर आपको आराम है, आपको लग रहा है क्वेश्चन फंस जाएगा, नहीं फंसा तो गलती किसका है, गलती उस टीचर का नहीं है जो आपको 700-800 क्वेश्चन पढ़ा कर भेज रहा है, वो टीचर तो अपने तरफ से बेस्टी ना दे रहा है बाबू, तो उस टीचर का गलती नहीं है, गलती आपका था जो आप मेहनत को ना कम करना चाहें, और बिना मेहनत का क्या कुछ मिलता है आज के डेट में, बिना मेहनत का भैया एक ग्लास पानी भी नहीं मिलता है दुनिया में, और हम तो भैया लाखों बच्चों के बीच में से एग्जाम निकालने की बात कर रहे हैं, और हम मेहनत में इतना भैया हम बेमानी कर दे रहे हैं ना कि 700-800 क्वेश्चन पढ़कर जा रहे हैं, कोई टीचर बोला 500 क्वेश्चन पढ़ लो, तो गलती टीचर का नहीं होता है, पहला बात, वो टीचर अपने तरफ से बेहतरीन पढ़ा रहा, 500 क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है नहीं आया कोई बात नहीं, नहीं आया वो टीचर तो अपना बेस्ट दिया, लेकिन गलती था किसका, सोचो तो मेहनत बाबू यहां पर पहले बोल दिए, जो मेहनत करेगा वही वीडियो देखिएगा, देखो इन्फ्लुएंजा के किसके वजह से होता है, उसके बाद वर्ष 2020 का टाइम व्यक्ति कौन है, एकदम याद रखिएगा अमेरिका का राष्ट्रपति और वहां के उपराष्ट्रपति दोनों को दिया गया है, कमला हैरिस को भी दिया गया है, ठीक है, और ये क्या होगा, एकदम मेहनत में कोई कमी नहीं भाई, रस क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यहां पर क्या बोल रहा है हमारे सामने, अच्छा तीन चीज और है जो मैं आपको लिख कर लाया हूं, एक तो पहले आपने देखा ये चीज टाइम्स व्यक्तित्व कौन था, ठीक, अब तीन चीज मुझे यहां पर सुनो आप सभी ध्यान से, यहां पर सुनिएगा, अगर एग्जाम में आप सभी से बोले ना, क्या बोले भैया EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, इसका पुरस्कार किसको दिया गया, तो किरण मजूमदार को, एकदम याद रखना, बिजनेस ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया, तो स्पेस एक्स का मालिक एलन मस्क को, लेकिन
लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि भैया दोनों में तो बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड है। भाई याद रखना, जो एलन मस्क को बिजनेस पर्सन ऑफ द अवार्ड दिया गया है ना, ये रिपोर्ट ना फॉर्च्यून के द्वारा जारी किया गया है, और टाइम्स के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है बिजनेस ऑफ द ईयर का, उसमें दिया गया ये पुरस्कार एरिक इवान को। ठीक, क्वेश्चन क्लियर। एकदम अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में भूकंप के कितने भूकंप क्षेत्र है, आंसर बोल देना। एक साल में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, चार गो होता है भैया, ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन और एक ठो क्या है आपका फ्रेंच ओपन, चार गो होता है भैया, चार गो में ना भैया इस बार तीन गो ना भैया, पता है कौन जीता है, नोवाक जोकोविच जीता है, नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया साइबेरिया वाले, जो एगो जीता है ना भैया यूएस ओपन, इस बार यूएस ओपन कौन जीता, नोवाक के साथ फाइनल में कौन था आपका, हाँ मेंडेडिव रसिया वाले, वो जीते हैं इस बार, याद रखिएगा। हालांकि ना इसको लेकर टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने टेनिस का आपको पूरा एक अलग क्लास दिया है, सब कुछ महिला का पुरुष का सब करवाए, तो इसको लेकर टेंशन नहीं है। देखो श्रीरंगापट्टनम शहर, कावेरी जो शहर है ना, कावेरी नदी पर है, कहां पर है ये शहर, कहां पर है बताओ, तमिलनाडु में है भैया, कहां पर है भाई, तमिलनाडु में। एग्जाम में पूछे ना किस नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे, एकदम कचाकच क्वेश्चन है ये वाला, इसका क्या होगा, दो की चार, जज करना यार, जज करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, जज आप, आपको एग्जाम देना है। एक तो फोनवा नहीं खुल रहा मेरा बार बार, क्या बात है भाई, चार तमिलनाडु डेनियल, सही है भाई बिल्कुल चार। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, यदि राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाता है तो उनके जगह पर पद कौन संभालेगा, उपाध्यक्ष यानी भैया वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, 63 नंबर के अनुच्छेद अंतर्गत। तब एक क्वेश्चन आप याद रखना पहला बात, अरे यार एक क्वेश्चन आप याद रखना पहला बात ना, आपके एग्जाम में अक्सर पूछता है टमाटर में कौन सा एसिड मौजूद होता है। अब जब बच्चा एग्जाम देकर आता है ना तो कंफ्यूज होता है, बोलता है भैया ना ऑक्सैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, तो कोई टीचर अगर ना मान लो कोई टीचर क्या करवाया, मैलिक एसिड, तो आप बोलेंगे गलती बोल रहे हैं, ऑक्सैलिक एसिड होगा। अब कोई टीचर पढ़ाएगा ऑक्सैलिक एसिड, नहीं नहीं साइट्रिक एसिड होगा, मैं एकदम लिख दिया हूं, ऑप्शन में कोई एक के मिलेगा, तीनों मौजूद रहता है बाबू, तीनों डाउट मत रखना, इसीलिए ना वर्ड अगर मैंने नहीं किया, क्योंकि यहां पर ऑप्शन में तीनों आता है, तो तीनों चीज मौजूद होता है टमाटर में। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीन कोर्ट पर खेला जाता है, तो टेनिस, कौन सा, टेनिस। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, पहला शीतकालीन ओलंपिक कब आयोजित किया गया था, आंसर बोल देना। अच्छा पहली बार ओलंपिक कब हुआ था, अरे भैया 1896 में पहली बार ओलंपिक हुआ था, क्या बात है भाई। अच्छा पैरा ओलंपिक पहली बार कब हुआ था, तो पैरा ओलंपिक ना भैया पहली बार 1960 में हुआ था, कहां पर हुआ था, रोम इटली में, और ओलंपिक जो हुआ था पहली बार वो कहां पर हुआ था, अरे भैया ये ना पता है कहां हुआ था, एथेंस में। हालांकि ओलंपिक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब करवा दिए, आपको स्पेशल क्लास दी है ओलंपिक के ऊपर, ये कब हुआ था 19, पहले आप बताओ, सब बता देंगे हम ही। चंद्रमा की त्रिज्या कितना है, 1764.4 किलोमीटर, अरे यार क्या लिख रहे हैं, हम भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, 1737.4 किलोमीटर, एकदम याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां पर है, आंसर लिख दिए यार, लाहौर, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, उसका आंसर क्या होगा 1924, फटाफट आप सभी जज करना यार। मैं विनीत कुलकर्णी, क्या बात है भाई 1924, बहुत बढ़िया भाई 1924 में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भूकंप तरंग कितने प्रकार के होते हैं, एकदम याद रखना दो टाइप का होता है, कितने टाइप का, दो प्रकार के होते हैं, एक शरारिक तरंग और एक सतह तरंग। उसके बाद ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है, केमिकल फॉर्मूला बोल दीजिए, C4H10 होगा, बोलो यार फोन नहीं खुल रहा बार बार,
1924 गद्दार स्टेडियम। लाइन से आंसर आ रहा है C4H10। देखो बाबू, मेहनत में ना इस बार कमी मत रखना, कोई भी एग्जाम देने जाना। आपको हम बता दिए ना कि आपको कितना कितना पढ़ कर जाना है, सब बताए हैं ना। जीके में कुछ छोड़े हैं भाई? आप कोई टॉपिक ही नहीं छोड़ रहे हैं, डेली सब टॉपिक कंप्लीट करवा रहे हैं। तो करेंट अफेयर जोड़ दीजिएगा, जीके का टेंशन खत्म, करेंट अफेयर सब करवाइए दिए, तो टेंशन रहेगा क्या भैया? C4H10 जो कॉमेंट आ भी रहा है, सही है बाबू। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर तीसरी पीढ़ी, एकदम एक क्वेश्चन बनता है ये वाला, सब करवा दिए बाबू, एकदम याद रखना, एकदम इसको याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में फंसते हैं, एकदम पहले याद रखना ना। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका आविष्कार किया गया था? एकीकृत सर्किट का। क्या बोले भैया? एकीकृत सर्किट यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया गया था, ठीक है। ये तीसरा में, अगर बोले पहला में क्या किया गया था तो मत बोलना नहीं, सब पढ़ा दे रहे हैं, वैक्यूम ट्यूब। दूसरा में ट्रांजिस्टर का, तीसरा में तो माइक्रो प्रोसेसर का है। एक दो तीन चार, चारों रट लीजिएगा, चारों रट लेना ये भैया, दो क्वेश्चन भैया अब ना। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद संधि कब हुआ था बताना है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आप बोलिएगा ना भैया, क्या भैया? सुकुमार सेन। अच्छा, अभी भारत में इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो आप बोलेंगे भैया सुशील चंद्रा। वर्तमान में ना भैया सुशील चंद्रा है, ये याद रखिएगा, ये तो करंट अफेयर क्वेश्चन आ गया। उसके बाद कंप्यूटर में जो स्टार्ट मेनू होता है ना, स्टार्ट मेनू मतलब कभी कभी कंप्यूटर का बाया साइड में देखेंगे नीचे में ना, तो स्टार्ट मेन्यू होता है, हम ना शॉर्ट की कौन सा इस्तेमाल करें कि स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा? कंट्रोल प्लस एक्स आप टाइप करके रखिएगा, टाइप करके देख लीजिए, कंट्रोल प्लस बाया के ऊपर साइड में देखिएगा एस्केप का बटन होगा, अगर ये दोनों टिपेंगे ना तो स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा, देख लीजिएगा अभी, ठीक है। और इसका आंसर बताओ फल्ती से, कितना क्वेश्चन करवा, 211 पर आ गए, आज टाइम भी ज्यादा नहीं लिए, आप नहीं बोल सकते भैया टाइम बहुत ज्यादा ले रहे हैं, क्या बात है भाई। अब थोड़ा देर कमेंट, 1765 नहीं होगा भाई, क्या यार आप लोग गजब, ऐसा कंट्रोल प्लस एक्स नहीं होगा, कंट्रोल प्लस एस्केप होगा, ठीक है, गजब मेहनत कर रहे हैं आप लोग, गजब यार 1765 गजब सॉलिड। अगला क्वेश्चन हमारे सामने एकदम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, द कोलेशन ईयर्स ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन था? प्रणब मुखर्जी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद बताना सनसेट द्वीप भारत में किस राज्य में है? उसके बाद सौर मंदिर कहां पर स्थित है? दोनों का आंसर मुझे चाहिए, अब थोड़ा मैं भी आराम कर लूं, अब दोनों का आंसर आप दो, और हो सके ना एक चीज और बता दीजिएगा ना, ये सौर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? पल्लव वंश के द्वारा बनाया गया था, लेकिन किस राजा के द्वारा बनाया गया था ये आपको बताना है। इतना हिंट तो आपको दे दिए ना, इस दोनों का आंसर आप बताओ, थोड़ा पानी पी लेते हैं, एकदम पढ़ते चलिए आप सभी यार। आधा घंटा क्लास करवा रहे हैं, 10 दिन में 2 क्वेश्चन तो आपको रटवा दिए, 10 दिन में क्या जीके पढ़िएगा आप सभी? प्रणब मुखर्जी, उड़ीसा राजीव कुमार, तमिलनाडु निखिल शर्मा, तमिलनाडु कमेंट करते रहिए, नहीं आए कमेंट करते रहो बाबू आप सभी, जस्ट तो करना है ना, महाराष्ट्र, चलो तमिलनाडु, उड़ीसा तमिलनाडु इसका तो बता चुके हैं ना। अच्छा ये वाला तो आपका महाराष्ट्र में है, और सौर मंदिर बहुत पॉपुलर बाबू तमिलनाडु, जो आप सभी आंसर बोल रहे हैं, लेकिन किसी का कमेंट्स नहीं आ रहा है कि ना किसके द्वारा बनाया गया था,
एक भी कमेंट्स नहीं आ रहा है। नरसिंह देव फर्स्ट खुशबू कुमारी नहीं, नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा नहीं बनाया गया था। एक भी कमेंट चाहिए मुझे। नरसिंह देव बाबू आप लोग मतलब ना गेम खेल रहे हैं क्या? नरसिंह देव फर्स्ट, नरसिंह देव द्वितीय, नरसिंह देव तो है ही, लेकिन कौन सा नाम क्या है उसका? एक नाम चाहिए मुझे किसी भाई का। ये क्या हो गया यार, ई का हो गया। नहीं आ रहा है, चलो ध्यान से लेकिन सुन लेना ठीक है। नरसिंह देव टू, लेकिन इनका नाम क्या था? इनका नाम था आपका राजसिम्हा, हिंदी में लिख दिए देखो राजसिम्हा, एकदम याद रखना, पीडीएफ में दे दूंगा पढ़ लीजिएगा ठीक है, गलती मत करना। लेकिन अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नाबार्ड का स्थापना कब किया गया था? अच्छा नाबार्ड का वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? हर्ष कुमार भनवाला, अरे वो थे, उनके बाद कौन बना है? तो भैया जीआर चिंटाला। कौन? जीआर चिंटाला वर्तमान में अध्यक्ष है। जीएसटी किसके अंतर्गत आता है? संशोधन 101 के अंतर्गत आता है। अच्छा रोवर्स कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है ना ये कब स्टार्ट हुआ था और नाबार्ड का गठन कब हुआ था? अब ये 1982 लिखिए ना। चलो अब बताओ रोवर्स कप, एक होता है दुरंध कप, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। अब बताओ कोई मेरा भाई ना, रोवर्स कप कब पहली बार खेला गया था? जल्दी से, आज बहुत फास्ट क्वेश्चन करवाए, 60 क्वेश्चन करवा दिए हैं आधा घंटा में। गोविंद रजालू चिंटाला, क्या बात है भाई, दिलीप कुमार, दीपा यादव, फुटबॉल सही है, नाम बोलते रहिए। 1891 गजब, बिल्कुल भाई 1891। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, लिपू लेक दर्रा कौन नहीं बता पाएगा? सब बता देगा, अरे दूधा सागर फल कौन नहीं बताएगा, सब बताएगा। लावनी नृत्य, अरे भैया इस वाला स्लाइड में ना 90% बच्चा लोग आंसर जानता है, क्यों देखो तो क्वेश्चन क्या है, ये ले नहीं होगा। अच्छा ये वाला लावनी, लावनी, लावनी महाराष्ट्र में। अच्छा दूध सागर फॉल कहां पर है? गोवा, 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 गोवा वाले बीच पे। अच्छा गोवा उत्तराखंड मंडोवी। अच्छा एक बात बताओ आप सभी पहले ना, ये जो फॉल्स है ना ये किस नदी के ऊपर है, ये आपको बताना है जल्दी से। वाह भाई, वाह भाई, बेसित बेसित, उसके बाद से असीम कुमार, प्रीति कुमारी, सोनू कुमार, नाम सिर्फ नाम सुनना, सचिन, मनीष कुमार मिन्ना, विजय कुमार, मोहित शर्मा, मोहित शर्मा, जनता की दुकान, आकाश सिन्हा। अभी लाइन से नीचे कमेंट आते जा रहा है ठीक है, लाइन से कमेंट नीचे आ रहा है, आप देखते चलो। अच्छा एक बात बताओ, ये जो स्लाइड आपको दिख रहा है अभी, आज क्या करवाए भूल जाइए, जो स्लाइड आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन पहले कभी देखे हैं भैया? अधिकांश सेट में ये क्वेश्चन मिल जाता है, और ये क्वेश्चन ना भैया बहुत आसान है। ये क्या हो गया यार, कहां चला गया यार? अच्छा ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये बहुत बार देखे होंगे ना, बहुत बार देखे होंगे, बहुत बार देखे होंगे, और इसका ले बोल रहे हैं, हम बोले ले तो ले, गोवा तो गोवा, आप हां में हां मिला रहे हैं। हां यार यहां पर क्लास करवा रहे हैं, अगर हम मान लो इतना मेहनत, बहुत मेहनत करते हैं, आपको अगर मजा नहीं है ना, ये 200 क्वेश्चन रेडी करने में ना बाबू 3-4 घंटा लग रहा है,
तीन चार घंटा बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका एग्जाम खराब ना हो, और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हाँ में हाँ मिला रहे हैं, ले 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 ले। तर इतना आसान क्वेश्चन कितना बार आपने देखा होगा, संस्कृत अमृतवाणी का एक भाई का आंसर मुझे दिखा, मात्र एक भाई का, और सब ले बोल रहा है, हाँ में हाँ मिला रहा है, उत्तराखंड। गजब यार, गजब कर दिए। ये किस नदी पर है, एग्जाम में पूछता है, मंदोबी। एक भाई का सिर्फ आंसर दिखा उत्तराखंड, हाँ में हाँ मत मिलाइए, आपको नहीं आता है तो छोड़ेंगे, लेकिन जो आता है टिक मारेंगे। बोले 17 क्वेश्चन आपको आता होगा, भारत के तीव्र राष्ट्रपति कौन है, देखो इसमें भी बहुत जगह डाउट होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 में कितने व्यक्ति को दिया गया, अब मेरा बात सुनना पहले। उसके बाद बोला गया है ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में नाम क्या है, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर भी आप सभी बोलिएगा, जो सोच रहे हैं वही बोलिएगा, बोलिएगा ना, देखते हैं आप सभी का कॉमेंट। ये 7 लोगों को दिया गया है, एकदम नाम याद रखना। अच्छा, अगर आपसे पूछ देना किस देश के प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण दिया गया इस बार, तो याद रखिएगा शिंजो एबे को। किसको, शिंजो एबे, जापान के प्रधानमंत्री को भी दिया गया है ये अवार्ड। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है, अच्छा बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, भैया बांग्लादेश में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को क्या, जमुना, और यहां पर क्या बोलते हैं, सेंगपो, बोल दीजिए सेंगपो, हाँ तो बोलेंगे ना, यह है तो आंसर बताओ उसका, रामनाथ कोविंद जापान, प्रणब मुखर्जी सही हो आप लोग, रामनाथ कोविंद नहीं होगा, शिंजो एबे, प्रणब मुखर्जी चौथा, क्या बात है भाई, क्या बात है यार, अब कम से कम देखकर लग रहा है ना, यही कॉन्फिडेंस चाहिए यार, बिल्कुल। रामनाथ कोविंद क्या है, चौदहवा है, ये 13वां कौन था, प्रणब दा है, बिल्कुल भाई, ऐसे कॉन्फिडेंस रखना अपने ऊपर। और इसको क्या बोलते हैं आपका, तानलुंग सेंगपो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, एक क्वेश्चन विवेकानंद रोक मेमोरियल, आसान ही है वाला, इसका बोल दीजिएगा, श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम क्या है, जल्दी से, श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम बहुत बार बताएं, राजस्थान में लोकसभा सीट कितना है आप सभी का, और इस, और एक बार बाबू एक बात याद रखिएगा, इस बार ना एकदम याद रखना, पद्म विभूषण जो है ना पुरस्कार, इस बार जापान के किसको, जापान के प्रधानमंत्री को भी दिया गया है, ये बात कम से कम याद रखना, और 7 लोगों को दिया गया है, ठीक है। बाकी तो प्रधानमंत्री तारलुंग बोले, क्या नाम है इसका, यारलुंग होगा ना, यारलुंग सेंगपो, एकदम वो याद रखिएगा। उसके बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पर है, नीचे है, नीचे भारत के नीचे वाले राज्य में, श्रीलंका का राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्षे। कितना सीट है लोकसभा राज्यसभा विधानसभा सब याद करवा दिए, अब मेरे पास टाइम नहीं है, वरना ना मेरा बहुत मन है ना कि हम ना 24 घंटा में ना 18 घंटा मेहनत कर आपको पढ़ा कर भेजे, मेरा बहुत मन है लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है। अगर ये नहीं भी करवाए ना तो आप एग्जाम से निकलने के बाद मत बोलना भैया आप नहीं करवाए, बाबू आपको सुबह 8 बजे वाले क्लास में, लेकिन हम करवा देंगे। अगर नहीं करवा पाए ना, मान लो नहीं करवा पाए, तो आप ये मत बोलना ना जीतू भैया आप करवाए नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं फंसा है। आपको राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, उसके बाद से राजधानी, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सब मैंने आपको याद करवाया है। और मेरा दिल बोलता है बाबू अगर टाइम मिलेगा ना, ये सब कुछ ना मैं आपको एक क्लास में करवा दूंगा। अगर नहीं करवा पाए तो मत बोलना भैया आपने नहीं करवाया है, ठीक है। कितना है, 25 है ना, और यहां पर 10 है, उसका बोलो वो कहां पर है जल्दी से, लेकिन आप पढ़ना सब दिल से पढ़ो, एग्जाम कैसे नहीं निकलेगा, क्या बात है भाई, क्या बात है। तमिलनाडु, बिल्कुल भाई तमिलनाडु में कहां पर, नीचे में कन्याकुमारी में है, और इसका निर्माण कब किया गया था, 1870 में, बहुत बढ़िया भाई, चलो इसका आंसर 1970, इसका आंसर आप सभी बताना जितने लोग भी देख रहे हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है,
ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर बताना कोई मेरा भाई उस क्वेश्चन का। तमिलनाडु 1870 नहीं 1970 है। कल सुभाजीत विश्वास, कलराज मिश्रा, अशोक गहलोत, इंद्रजीत महंती 25 और 10 लोकसभा सीट। बिल्कुल भाई, क्रिकेट किसका आंसर आ रहा है? कुलदीप, अरे कुलदीप यादव नहीं है, कुलदीप हैंडो है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में देखना फंसेगा क्वेश्चन वो वाला, मेरा दिल बोल रहा है। नहीं आ रहा, बॉक्सर नहीं है बाबू, हॉकी भी नहीं है, बैडमिंटन भी, कबड्डी भी नहीं है। विनायक भाई का कमेंट आया है, एक भाई कमेंट आया विनायक, बाबू मेरा दिल बोल रहा है ना ये क्वेश्चन आएगा, मैं दिल बोल रहा है इस क्वेश्चन को लेकर, एकदम याद रखिएगा। उसु होता ना कैराटा टाइप पे, हो ही वही गेम से जुड़े हुए, एकदम में 11 गोल्ड जीत चुके हैं ये, इनका क्वेश्चन बनेगा एकदम। और ये कहां पर है बताओ? रेसलिंग नहीं होगा बता चुके हैं कैराटा से, गोल्फ आप सब नामे बोल दिए हैं, गोल्फ कबड्डी क्रिकेट सब नाम बोल दिया गया है, शूटिंग भी आ गया, शतरंज। अच्छा ऐसा कोई गेम नहीं है ना जो कमेंट में नहीं आ रहा, सब गेम आ गया है। उत्तराखंड, बिल्कुल बाबू, उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद से कौन सा लेख संबंधित है? आंसर बोल देना यार, आसान है ना, कौन सा लेख है भैया? अनुच्छेद ऐसा कोई नहीं छोड़े जो आपको नहीं करवाए, 74 नंबर अनुच्छेद। भारत को ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक किसमें मिला है? याद रखना, मेरा दिल बोल रहा है ना बाबू ये सब क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, मेरा दिल बोल रहा है, एकदम याद रखना। भारत को ना सबसे ज्यादा जो पदक मिला है ना वो किस खेल में मिला है? हॉकी में मिला है, हॉकी में। अगर एग्जाम में बोले ना सबसे ज्यादा जो है स्वर्ण पदक किसने मिला है तो भी हॉकी होगा। हॉकी में 8 गोल्ड मिला है, ब्रोंज भी मिला है, सिल्वर भी मिला है भारत को। ब्रोंज तो शायद 2 कि 3 बार मिला है और सिल्वर 1 बार मिला है, तो हॉकी में सबसे ज्यादा पदक मिला है भारत को। अच्छा एग्जाम में अगर आप सभी से क्वेश्चन पूछे ना कि भारत को सबसे पहली बार हॉकी में गोल्ड कब मिला था, 1928 में, याद रखिएगा ठीक है। भारत को अंतिम बार स्वर्ण कब मिला था तो 1980 में रसिया में जो हुआ था ठीक है। और 1928 वाला जो हुआ था ना ये हुआ था आपका कहां पर? ये हुआ था आपका एम्स्टर्डम में, नेदरलैंड, डच जिसको बोलते हैं एम्स्टर्डम। ये सब पीडीएफ में डाल दिए आपको ठीक है, पढ़ लेना सिर्फ आप सभी। मैं जितना क्वेश्चन करवा रहे सब इंपॉर्टेंट है। अगला सब करवा दिए स्लाइड में आपको, हाँ 74 नंबर, सब आंसर बोलो। लाइट गया क्या बार बस? बिल्कुल भाई, 1928 में ध्यान से, ध्यान ने ऐसा खेल खेला सबका ध्यान से हट गया, बिल्कुल वही हॉकी था आपका। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर क्या है, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1336 में, बताए थे ना नीचे वाले में। उसके बाद भारत का पहला अदरक प्रसंग कहां पर है? मेघालय में है ठीक है। अगला हमारे सामने, अटल पेंशन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी बताइएगा। उसके बाद राजा पर्व उत्सव किस राज्य में मनाते हैं बताइएगा। दांदली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है आपको बताना है, तीनों क्वेश्चन बताना है और देखूंगा तीनों का आंसर परफेक्ट दे कौन रहा है। लैप, पॉज, रीसेट, कंटिन्यू, अरे लैप की है ना तुमको, क्या हो गया तेरे को, अरे क्या कर रहा है, रीसेट। चलो इसका आंसर आपको बताना है तीनों का, हालांकि दो तो आसान है आपके सामने। अटल पेंशन योजना बता दीजिएगा ना, बताओ। सचिन का कमेंट्स आ गया 2015, बिल्कुल भाई 2015, चलो लिख दिए। आगे बताइए, राजा पर्व उत्सव किससे किस राज से? अमृत, हरियर और बुक्का, क्या बात है भाई, अभी तक याद किए, बोले ना क्लास में जितना बताते हैं पढ़ लीजिए, एकदम मेरा भाई सही बोला, हरियर और बुक्का दोनों भाई था जो विजयनगर का स्थापना किया था। अब आप बोलेंगे भैया आप करवाए नहीं है, अगर एग्जाम में बोले विजयनगर का स्थापना किसने किया था, बोलेंगे करवाए नहीं आप, पीडीएफ में नहीं मिला,
पूछो मेरे भाई से, हम क्लास में समझाएं कि नहीं समझाएं। अलाउद्दीन खिलजी क्या बोला था, जाकर हड़प कर लाओ। और वो लोग बेटा राज बताए थे, सब क्लास में बताएं आप सभी को, पढ़ेंगे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसका आंसर बताओ, उड़ीसा होगा भैया इसका, नम्रता साहू आगे। बिल्कुल भाई आप उड़ीसा बोल दिए, मैंने उड़ीसा लिख दिया। चलिए इसके बाद वाला बोलिए आप सभी। कर्नाटका, आपने कर्नाटका बोला, मैंने कर्नाटका लिख दिया, बहुत बढ़िया। अगला क्या है हमारे सामने, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ध्यान से बोलना, बार बार बोल रहे। अब तक के सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष करवाया हुआ क्वेश्चन है मौलाना अबुल कलाम आजाद। 35 साल के थे जब कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। भारत ने अपना आखिरी हॉकी ओलंपिक किस वर्ष। अच्छा अगर ये क्वेश्चन बोले तो क्या बोलिएगा, इसका आंसर क्या होगा, जर 21। लेकिन अगर बोले 21 के पहले तो 1980, ठीक, जो कि बता दिए हैं। इसका आंसर बताओ, ध्यान से सुनना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ध्यान से 1920-18 मत करने लगा, ध्यान से क्वेश्चन देखो आप सभी क्या होगा। जो 21 बोल रहे हैं, सानू वैसन 2015, अल्पना कुमारी 35 साल बता चुके हैं। आंसर बोलो यार, इसका आंसर नहीं आ रहा है पहले वाला का। यार इतना कमेंट 21 क्या क्यों आ रहा है, आप लोग ना हमको डाउट में डाल देंगे, थोड़ा गूगल लड़की से पूछते हैं। 21 में कहां से हो जाएगा यार, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लॉन्च डेट। लड़कियों सही से नहीं सुनती है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लॉन्च डेट, मतलब देवता आप लोग ना सच में ना एकदम मतलब 21 बोल रहे हैं और लाइन से कमेंट 21 आ रहा है। मैंने एक नाम पढ़ा ना 2015 वाला, एक लड़की का आंसर आया 1 जुलाई 2015 को, प्रधानमंत्री कृषि निधि योजना जो किसान को 6000 मिल रहा है, आप किसको मिला रहे किससे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला हिल कौन सा है, बता देना, आसान क्वेश्चन है, एक याद रखना ये वाला, द सब्सटेंस एंड द शैडो, ये जो आत्मकथा है ना वो दिलीप कुमार का है, याद रखिएगा। उसके बाद जब क्षार पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है तो कौन सा गैस बनाता है, अरे भैया हाइड्रोजन बनाता है। इसमें भी दिक्कतें लीजिएगा आप सभी, और ये वाला आपका ले है, ठीक है। अगला हमारे सामने, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन अधिनियम के दौरान जोड़ा गया, आंसर बोल देना उसका, आपको कितना बार करवाएं भैया, अनगिनत बार करवाएं। पहला वाला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, भारत और श्रीलंका के बीच सैन्य अभ्यास का क्या नाम है, मैत्री, ठीक है। और ये बताओ हमें, कौन नहीं बता पाएगा, ये देखना है आपको, फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल राइट सब समझाएं कितना बार। जियो राजा, वाह रे भाई वाह, जियो राजा 44 amendment। आंसर क्या आ रहा है, 44 amendment। आप सभी एक बार कमेंट्स देखिए, कब करवाए थे क्वेश्चन, आज ही कल में करवाए हैं ये क्वेश्चन है आपको, और आप इतना जल्दी भूल गए। 44वां संशोधन बोल रहे हैं, अच्छा 44वां संशोधन, अरे तेरी मार, अच्छा 44वां संशोधन क्या था, जो कमेंट में 44 बोल रहे हैं क्या था, हम 44 के बारे में आपको कितना बार बताएं, कहां बताएं,
ईमानदारी से बोले नहीं बताए हैं। 44वां संशोधन क्या था? 44 Amendment 1978, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 से हटाकर 301A के अंदर रखा गया। वो था हमारा 44वां संशोधन जो प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था 1978 में। 44वां संशोधन 1978 क्या था? तो संपत्ति का अधिकार को अमीर और गरीब के बीच भेदभाव ना हो, तो वो था 44 अमेंडमेंट। ये 42 अमेंडमेंट था बाबू, ये 42 अमेंडमेंट था 1976। ऐसे करिएगा, आपको कितना प्यार से हर चीज समझाए हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक ये क्वेश्चन आप देखना, आप सभी ध्यान से सुनना मेरा बात, एक जितने लोग भी देख रहे हैं, अगर एग्जाम में पूछे ना सबसे नौजवान मुख्यमंत्री कौन बने केंद्र शासित प्रदेश का, तो क्या बोलिएगा? फारूक, ये बने थे। ये याद रखना, पुडुचेरी के याद रखना आप सभी। अगर बोले सबसे नौजवान मुख्यमंत्री राज्य का कौन बना, तो प्रफुल्ल कुमार महंतो आसाम के। ये बात याद रखना, भैया नहीं करवाए नहीं नहीं चलेगा काम, याद रखिएगा। अच्छा, सीएम हो गया ना, सीएम हो ही गया और क्या बचा, मुख्यमंत्री करवाइए दिए हैं, राज्यपाल बचा ना, मुख्यमंत्री राज्यपाल। अच्छा, सबसे यंगेस्ट गवर्नर कौन है? हालांकि वो क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है, वो क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है, कोई बात नहीं। अब बताओ सबसे यंगेस्ट गवर्नर राज्यपाल कौन है, ये आप बताओ मुझे। क्या होगा, सबसे जवान गवर्नर कौन है? मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों बता चुके, कौन मेरा भाई इसका आंसर बता देगा? अभी है ये, अभी है, अब सोचो कौन है, इतना हिंट्स दे दिए, जल्दी से कौन बताएगा इसका आंसर? प्रफुल्ल कुमार। सौरभ गुप्ता नालंदा, नीलू देव का भी आंसर आया है, उसके बाद से यही दोनों का आंसर आया, पहले यही आंसर आया है इन दोनों का पहले। बहुत बढ़िया भाई, तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन, एकदम बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, याद रहेगा ना। हालांकि पीडीएफ में मैंने नहीं डाला है, डाल देंगे, ठीक है ना, ये डाल देंगे, लेकिन एग्जाम में आए तो बोलेंगे आप करवाए नहीं है। सुन लीजिएगा, सबसे नौजवान खूबसूरत, अगला सुनो क्वेश्चन यार। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज किस वर्ष में शुरू किया गया था? उसके बाद बोला है हमारे सामने वर्णवा पारा किस राज्य में वन जीव अभ्यारण है? उसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला टेस्ट कप्तान कौन था? ये तीनों का आंसर आपको देना है जल्दी से, 49, 50, 51। टाइम चेंज नहीं हुआ है भाई क्लास का, आज 4 बजे क्लास ना जान मुझ कर दी है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन रेडी कर रहे थे इसीलिए ना लेट हो गया यार। उन्नीस सौ अट्ठासी नहीं होगा, 1985 होगा। एक भी कमेंट आया क्या? नहीं आया। लाला अमरनाथ होगा, सीओ नायडू होगा, कपिल देव नहीं होगा भाई, अजीत वाडेकर नहीं होगा, और ये तो आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में। कपिल देव कैसे बोल रहे हैं? टाइम चेंज नहीं हुआ धर्मेंद्र? क्रिकेट लवर एक नाम है, क्रिकेट लवर जब वो है और जब बोल दिए लाला अमरनाथ, तो हम क्या बोले इसके बाद? अगला क्वेश्चन हमारे सामने, पहला पैरा ओलंपिक्स एथलेटिक्स को क्या है? ओ हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये वाला। इस बार भी ये पैरा ओलंपिक में गए थे और सिल्वर जीते थे,
क्या नाम है इनका भैया, पहला पैरा एथलीट जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। हाँ तो बता दिए ना, इस बार रजत पदक जीते थे शायद। हाँ नाम बताओ इस बार कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर 2021 के लिए नामांकित है। उसके बाद पेना वाद्य यंत्र कहां का है बताओ, तीनों का आंसर बताना है। वो अभी गए थे, अभी हाल जो हुआ था पैरा ओलंपिक उसमें ये खिलाड़ी गया था जिनको पहला राजीव गांधी पुरस्कार मिला है, नाम बताना है आप सभी को। और पहली भारतीय फिल्म तो आप बता लीजिएगा, इसका नाम क्या, जलीकट्टू। जलीकट्टू हालांकि मूवी हमको मिल ही नहीं रहा है, हम बहुत खोज रहे हैं ये मूवी, वो साउथ वाला मिल जा रहा है मूवी, एक मूवी बहुत सॉलिड है, मूवी मिल ही नहीं रहा हमको ये मूवी हिंदी वर्सन में, बहुत देखने का मन है मूवी ये वाला। अरे मरियप्पन क्या बोल रहे हैं, भैया मैत्री एक्स थाईलैंड के साथ होता है, मैत्री मैत्री इंडिया और थाईलैंड के बीच होता है, बिल्कुल। तो क्या करवाएं हम आपको, हम क्या करवाएं फिर, कहां गया मैत्री, करवाएं क्या करवाएं मैत्री, अरे मैत्री लिख दे रहे हैं बच्चा, मित्रा होगा ना, मित्रा होता है एक सीलिंग नेक्स होता है इंडिया और इसके बीच में श्रीलंका के बीच में, ये दोनों होता है, मैत्री लिख दिए थे, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी। और कहां थे हम लोग, इस क्वेश्चन पर थे ना, जलीकट्टू, इसका आंसर बताना है। उनका नाम क्या होगा, ध्यान लगाओ थोड़ा सा, मैंने बोल तो दिया, लाइन से कमेंट आ रहा है, मरियप्पन दिवेंद्र झांझरिया होगा ना इसका आंसर, क्या बात है भाई, क्या बात है, मणिपुर सही है, मणिपुर इसका तो सही है, और उसका आंसर देवेंद्र झांझरिया होगा ना। आप सभी इसका आंसर क्या दे रहे हैं, थोड़ा गूगल में सर्च मार ले एक बार उसको, फर्स्ट पैरा एथलीट टू गेट द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। हाँ भाई सही है यार, आप लोग सही हो, मरियप्पन बिल्कुल सही है भाई, आप लोग बिल्कुल, मरियप्पन थंगावालू बिल्कुल बाबू, यही सही आंसर है, ठीक है यही सही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है एकदम आंसर बोल देना इसका, एकदम आंसर बोल देना, ठीक है, हिंदी में नहीं लिखे हैं, दिहांग, अदर नेम ऑफ दिहांग, हिंदी में क्या आंसर लिखा हुआ है, दिहांग का अलग नाम क्या है आपका, ब्रह्मपुत्र, जो अरुणाचल प्रदेश से निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में ही ना बोलते हैं इसको। उसके बाद सबसे कम उम्र का सांसद अभी 17वां लोकसभा में बाबू चुना गया है, बोल दीजिएगा कौन सी नदी आपका बता देना रक्त तल से बहती है, एकदम आंसर बोल देना, ये अभी है सांसद, महिला है महिला, बहुत क्वेश्चन था आपका, चंद्रानी मुर्मू क्या, मणिपुर, बहुत बढ़िया भाई, चंद्रानी मुर्मू सही है, सतलज रिवर, क्या बात है भाई, सतलज नदी है बिल्कुल, और इसका चंद्रानी, चंद्रानी मुर्मू। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, पशुपति मंदिर कहां पर है, मेरा सपना है एक दिन जाएंगे, कब जाएंगे भैया, इसी साल के अंदर जाएंगे नेपाल में, नेपाल का सबसे पुराना बैंक कौन सा है, नेपाल का सबसे पुराना बैंक कौन सा है बता देना, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार आता है, तो पार्ट 3 में आता है, इसका क्या होगा जल्दी से, बैंक ऑफ नेपाल, कितना क्वेश्चन कमा करा दिए नेपाल बैंक लिमिटेड, 259-260 तक करवा दिए, टाइम ज्यादा ले लिए ना, क्वेश्चन तो ज्यादा करवा रहे हैं ना, क्वेश्चन भी तो आपको ज्यादा करवा रहे हैं बिल्कुल बाबू, नेपाल पानी पड़ रहा है, नेपाल बैंक लिमिटेड। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था, आईपीएल 2007 का विजेता टीम, ये क्वेश्चन क्या है यार, आईपीएल 2007 का विजेता टीम बताओ आप सभी, पीएनजी का फुल फॉर्म पूछा है बता दीजिएगा आप सभी, आसान है, और चीन का अंतिम शासक कौन था, तो एकदम याद रखना। अच्छा आईपीएल 2007 का विजेता कौन था,
बताना है। और एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे भी पूछा था ना कि सबसे आईपीएल 2007 में हुआ था, क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है। आईपीएल 2007 में हुआ था कि 2008 से आईपीएल स्टार्ट है, डाउट है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में डाउट है। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है ना, क्वेश्चन शायद ये था ना कि पहली बार T20 वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता था, तो उसका आंसर भारत होगा धोनी के कप्तानी में। इसका 7 में आईपीएल हुआ था, आप सभी इसका आंसर क्या दे रहे हैं, क्या बात है भाई। वही तो 2008 से स्टार्ट हुआ था जिसमें यूसुफ पठान बहुत मार मारा था राजस्थान रॉयल के खिलाफ, वही क्वेश्चन डाउट हो गया। इस क्वेश्चन को ना बाबू आप एक काम करना, या तो इसको 8 कर दो या फिर आप ये कर दो ना कि T20 प्रसाद का कौन टीम था विजेता, तो भारत। अगर आईपीएल होगा ना 8 वाला तो पहला आईपीएल राजस्थान जीता था, तब बोल रहा था कि लल्लू पल्लू टीम है, हैदराबाद बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत था चर्चा, एंड्रू साइमंड्स, एडम गिलक्रिस्ट, साइद अफरीदी सब राजस्थान में, इतना स्ट्रॉन्ग टीम है राजस्थान, राजस्थान बोल रहे हैं हैदराबाद, लेकिन जीता कौन था तो राजस्थान रॉयल। ठीक है, इसका आंसर याद रखिएगा। ठीक है, इसका पीएनजी का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट ग्राफिक, जल्दी जल्दी 2008 में राजस्थान हुआ, वही तो बोल रहे हैं यार, डक्कन चार्जर। अरे क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है यार, डेकन चार्जर, पहले हैदराबाद का नाम यही था डेकन चार्जर, बहुत बढ़िया भाई। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, पोर्टेबल ग्राफिक, ग्राफिक फॉर्मेट, याद रखिएगा। पीएनजी क्या होता है भैया, देखो एक होता है जेपीजी, जेपीईजी फोटो के लिए इस्तेमाल करता है, पीएनजी मतलब ट्रांसपेरेंट फोटो के लिए, ताकि पीछे में सब हट जाए, सिर्फ आपका फोटो सामने आए, याद है ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यहां पर किस जिले में एकता की मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है, कर्णामलेश्वरी ने कांस्य पदक तब जीता था 2000 वाले सिडनी ओलंपिक में। ठीक है, कन्नौज किस वंश की राजधानी है, आंसर बोल देना, इसका क्या होगा, नर्मदा, नर्मदा गुजरात वाला। आईपीएल वाला भैया नहीं होगा आंसर, तो मैंने आईपीएल वाला तो मैंने सही सही करवा दिया ना, वर्धाना, क्या बात है भाई, गुजरात, अरे गुजरात, गुजरात, गुजरात का नर्मदा में जिला क्या पूछा, ये पूछा है आपका गुजरात नहीं, गुजरात का कहां पर, नर्मदा जिले में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, कन्नौज का राजधानी क्या आंसर आ रहा है, अहमदाबाद, गुजरात में, नर्मदा याद रखिए, नर्मदा राज्य पूछे, राज्य पूछेगा नर्मदा, बाकी सबको पता है गुजरात में है। ठीक है, इसका आंसर थानेसर नहीं होगा भाई, वर्धाना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नेपाल की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है आपको, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो संजय कपूर, हाल फिलहाल में क्वेश्चन करवाए, हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में करवाए हैं। तमाशा नृत्य किस राष्ट्र से स्थित है, महाराष्ट्र से, और बताओ नेपाल का सबसे बड़ा नदी क्या है, जल्दी से, वर्धाना। सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, कहां से, एप्लीकेशन से, कहां से डाउनलोड नहीं हो रहा है, एक बार बोलिए कहां से डाउनलोड नहीं हो रहा है भाई पीडीएफ। नारायणी सुरेश राय, नारायणी नहीं है भाई, कर्नाली है, कर्नाली सबसे बड़ी नदी है। पीडीएफ डाउनलोड कहां से नहीं हो रहा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहां पर है, राजस्थान में है। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद से वाइस एंड अदर वाइस होगा, यह पुस्तक ना एकदम इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट आंसर लिख दिए हैं, सुधा मूर्ति, क्या होगा, सुधा मूर्ति होगा। अब इसका आंसर बताओ आप सभी, पीडीएफ डाउनलोड कहां से नहीं हो रहा है, बताए कॉमेंट करिएगा, कम से कम कमेंट करना भाई कि पीडीएफ डाउनलोड कहां से नहीं हो रहा है।
इसका आंसर एक भी नहीं आ रहा है। 1955, 1956, 1956, 53 और 56, 53 और 56 कमेंट में दो ही कमेंट आ रहा, 53 और 56, 56 वाले आप बाबू एकदम याद रखना ना, 56 सीना होने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। आंसर क्या होगा? 56 नहीं होगा, 53 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने। हर साल शहीद दिवस कब मनाते हैं? कोई होगा जो गलती करेगा, 30 जनवरी को मनाते हैं। एक क्वेश्चन ना बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम के लिए। 72वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य को दिया गया है? उत्तराखंड, एकदम इसका याद रखना, कोटेश्वर बांध लिखा ही गया है यार, इसका आंसर लिख देते हैं, हम भूल जाते हैं, दिमागे काम नहीं कर रहा है। कौन सा ग्रेटेड डैम है जो उत्तराखंड में? कोटेश्वर डैम। अच्छा एक क्वेश्चन आप जो इसमें जोड़ दो, आप सभी आप ये जोड़ दो ना, ये जो बांध है वो किस नदी के ऊपर है, कौन बता देगा? एक किस नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक किस राज्य को दिया गया है? उत्तर प्रदेश को। किसको? उत्तर प्रदेश को। इसका आंसर कोई बता पाएगा? ये जो बांध है वो किस नदी के ऊपर है, कौन बता देगा इसका आंसर जल्दी से? कोटेश्वर, उत्तर प्रदेश, 30 जनवरी, बहुत बढ़िया। ये किस नदी के ऊपर है, कौन बता देगा? भागीरथी, किसी का कमेंट नहीं आ रहा है, बता दे रहे हैं भागीरथी। ठीक है, नर्मदा नहीं होगा, अलकनंदा नहीं होगा, भागीरथी होगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक आंसर आ चुका विवेक सिंह का, बिल्कुल भाई भागीरथी। अली अलिंगम त्यौहार किस राज्य में मनाते हैं? उसके पास नलमला पहाड़ी किस राज्य में? सेल का अध्यक्ष कौन है? अभी बताए कुछ दिन पहले सोमा मंडल, ये अभी भी इस पद पर है सोमा मंडल। इस दोनों का आंसर बताओ आप सभी जल्दी से। कितना क्वेश्चन हो गया? और कुछ क्वेश्चन है फटाफट, वरना बोलोगे भैया आज क्लास बहुत लंबा हो गया। उड़ीसा नहीं होगा भाई, असम, असम। सोमा मंडल वो तो सही है, तमिलनाडु नहीं होगा, असम और आंध्र प्रदेश लिख दे रहे हैं, असम और आंध्र प्रदेश है। सेल का सोमा मंडल, बिल्कुल सेल का सोमा मंडल। और एक कमेंट आ चुका है विनोद कुमार का, बहुत बढ़िया भाई, 1954 में गठन हुआ था सेल का, 19 जनवरी को लिख दे, हम एक चीज और जोड़ दे, 19 जनवरी 1954 को, ये सब चीज याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, खेलो इंडिया खेल, खेतो नहीं, खेलो भारत युवा खेल का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में। उसके बाद से न्यूट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया था? देखो इसमें अब कितना गलती आएगा। उसके बाद से एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है? अब देखो इसमें कितना गलती आएगा। हाँ गोलू, एप्लीकेशन सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है बाबू, अगर एप्लीकेशन से पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, बहुत लोग डाउनलोड कर भी नहीं है, हम ये नहीं बोलेंगे कि आपका गलती है, एक काम करिएगा ऊपर में ना, जब पीडीएफ खुलता है तो ऊपर में ना एक एरो बना है, उस पर क्लिक करेंगे ना तो आपके पास सेटिंग खुलेगा, सेटिंग, या आपके फोन में अगर सेटिंग ऑन होगा तो डायरेक्ट फोन में डाउनलोड हो जाएगा, जाकर देखिएगा डॉक्यूमेंट्स में, अगर नहीं हो रहा है तो आपके पास सेटिंग खुलेगा, सेटिंग खुलने के बाद ना फोन के स्टोरेज को ऑन कर दीजिएगा, तभी तो फोन में डाउनलोड होगा ना। अगर फिर भी नहीं हो रहा है, अगर फिर भी आप प्रॉब्लम आपको हो रहा है, तो भाई आप एक काम करिएगा, इस मेल आईडी पर मेल कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, जितेंद्र, अच्छा जितेंद्र सिंह 6392@gmail.com, इस पर आप मेल कर देना, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अब इसका आंसर कौन गलती बोलेगा, लास्ट वाला का, जेम्स चैंडविक, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले अमृतवाणी, क्या बात है भाई, क्या बात है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बहुत बढ़िया, चैंडविक, चैंडविक, बहुत बढ़िया भाई, चैंडविक, चलो सही है।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक क्वेश्चन देख लेना आप सभी, सीएसीपी का फुल फॉर्म क्या है, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, पहला, दुनिया का लकड़ी का उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, झोरा नृत्य किस राज्य का है, जोहार झारखंड है भैया, बोल दो जय जोहार, क्या होगा इसका आंसर बताना आप सभी, आपको अपने गेम में फंसाएंगे, इसका मतलब नहीं कि आपको वही आंसर बोल देना है, नहीं बाबू, सोचना थोड़ा सा कि भैया बोले हैं, अरे भैया जो जोहरा दिया है कहीं जोहार झारखंड तो नहीं है ना, बताओ आंसर आप सभी, इसका आंसर तो आसान है, नीलू देव, क्या बात है यार, आप बहुत सही आंसर देती हैं, लेकिन बिल्कुल न्यूजीलैंड के द्वारा, पहले ना जापान बोल रहा था ना कि हम ना लकड़ी वाला भेजेंगे, सबसे पहले ना लकड़ी वाला उपग्रह हम लॉन्च करेंगे 2023 तक, वो बोलते रह गया और ये लॉन्च कर दिया न्यूजीलैंड, याद रखिएगा आंसर होगा न्यूजीलैंड, इसका आंसर क्या बोलिएगा, खुशबू कुमारी जापान, अच्छा जापान बहुत लोग बोल भी रहे हैं, न्यूजीलैंड होगा, ठीक है याद रखिएगा न्यूजीलैंड होगा आंसर, जापान था पहले, हिमाचल प्रदेश होगा, ठीक है भाई, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, एक बात याद रखिएगा इसका आंसर ना, आप जब ये क्वेश्चन लास्ट बार आपका 20 में जब बना था ना, तब आंसर जापान था, तो 23 में लॉन्च करने वाला था, लेकिन अब आंसर क्या हो चुका है इसका, न्यूजीलैंड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ये तो क्वेश्चन यार, ये तो क्वेश्चन कोई गलती करेगा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो भैया किसके सम्मान में, 1911 में, वही परचम नहीं आए थे राजा किंग परचम अपने बीबी के साथ, पोलैंड का अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट बताना है, राष्ट्रपति, अनुच्छेद 300A भारत का संविधान किससे संबंधित है, अब बताओ, ये सब क्वेश्चन फंसेगा यार, मतलब आप एग्जाम में कई जिंदगी फंसेंगे, 44वां संशोधन हुआ था भैया 1978 में, संपत्ति, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ है भैया, मोरारजी देसाई इसका केंद्र संशोधन, किसी को दिक्कत, इसका क्या होगा, एंड्रेज ड्यूडा राष्ट्रपति है पोलैंड का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, केरला पुलिस की पहली डीजीपी महिला का नाम बताना है आप सभी को, उसके बाद हिट रिफ्रेश, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो सत्या नंडेला के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद यहां पर एक बोलो बोला है ना, पैरासोमानिया किस बीमारी का नाम है, बहुत नींद आ रहा है, अच्छा बताओ इसका आंसर बताओ आप सभी, उसका भी आंसर बताना आप सभी, टाइम थोड़ा ज्यादा नहीं है लेकिन क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा करवाए। एंड्रेस ड्यूडा 44 संपत्ति का अधिकार, अभिषेक कुमार, बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया यार, क्या बात है यार, धन विधेयक आदित्य कुशवाहा, धन विधेयक बाबू किसमें आता है, 110 नंबर अनुच्छेद में मनी आर्टिकल जुड़ा हुआ है, इसमें है आपका मनी जो मनी वाला है 110 नंबर अनुच्छेद में, ये तो संपत्ति का अधिकार है, नींद की बीमारी, निद्रा विकार, डिसऑर्डर स्लीप, बिल्कुल भाई निद्रा विकार बोल सकते हैं, ठीक है उसका आंसर कोई बताएगा, कंचन चौधरी नहीं होगा, श्री लेखा होगा, कोई नहीं बोल रहा है आंसर, कोई नहीं बोला, नीलू देव, हाँ यार बहुत सही आंसर दे रहे हैं एकदम, श्री लेखा, क्या बात है यार, बहुत सही आंसर दे रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बाहरी हिमालय को क्या कहा जाता है, आंसर कोई गलती मत करना, कोशिकाएं के अध्ययन को क्या बोलते हैं, बोल दीजिए, आसान क्वेश्चन है, अच्छा एक क्वेश्चन बोला है ना, WHO फाउंडेशन का प्रथम CEO कौन था, बता दीजिएगा, अनिल सोनी, कौन था, ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, अनिल सोनी, इसका आंसर कोई बताएगा, कोई क्या सब बताएगा, कोई मतलब क्या होता है, सब बताएगा, क्वेश्चन आसान है, उसमें सब क्या आता है कोई भैया, और इसमें क्या होता है, एक का भी आंसर गलती नहीं आना चाहिए सब क्वेश्चन में, बिल्कुल अमित, किसी का भी भाई, किसी का भी गलती आंसर आना ही नहीं चाहिए, इसका बोलो आप सभी, निंद्रा रोग, आरावली बोल रहे हैं, ओम प्रकाश, अरे भाई कोई बात नहीं, आप रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है
अनितोस साइटोलॉजी, क्या बात है भाई। अगला हमारे सामने एक क्वेश्चन बोला है हमारे सामने, संतोपथ ग्लेशियर कौन सी नदी से निकलता है, एकदम आंसर बोल देना। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो किस राज्य का था, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। और मैंने आपको सेंसस का तो पूरा पीडीएफ दे दिया स्टैटिक जीके में। उसके बाद राज्यसभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, जल्दी से फटाफट, और चार क्वेश्चन है, 300 पे स्टॉप करेंगे, 300 पे स्टॉप करेंगे भाई, और फटाफट 1952, क्या बात है, 3 अप्रैल 1952, मैंने डेट जोड़ दिया। चलो आगे वहां पर फटाफट, अलकनंदा हो गया ना सारा आंसर, ये हो गया। अगला, ये लास्ट क्लास है, ये लास्ट वाला है, ठीक है, फटाफट। ये तो आपका हाल फिलहाल में क्वेश्चन बना, हाल फिलहाल में पूछा गया क्वेश्चन, जल्दी से। उसके बाद क्या, मानव हाथ में कितनी हड्डियां होती है, 27 ठो। उसके बाद ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का मुख्यालय कहां पर है, बताना है। उसके बाद से ये तो मैंने आपको रामसर साइट तो पूरा करवा दी, कोई दिक्कत नहीं है रामसर साइट में भैया, फटाफट भाई। फटाफट करवा देते हैं, उदय शंकर अभी हाल फिलहाल में पूछा गया, हाल फिलहाल में उदय शंकर। उसके बाद से क्या है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का मुख्यालय आपका चेन्नई में है। उसके बाद तोसो का झील ये कहां पर है, लद्दाख में है। 300 पे क्वेश्चन कंप्लीट है बाबू, 300 पे क्लास रोके हैं, 300 पे बाबू। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे, डाउनलोड करके पढ़ लेना बस, ठीक है। आपको मैंने आपके एग्जाम में जाने से पहले, देखो भैया आप ना हर क्लास अटेंड करवा दे रहे हो, हर क्लास और जितना भी क्लास करवाए हैं बाबू, एकदम पढ़ लेना एग्जाम में जाने से पहले। आप देख ही पा रहे होंगे कमेंट्स बहुत सारा आ रहा है, भैया आपका पीडीएफ से क्वेश्चन फंस रहा है। अरे फंसेगा नहीं, जब भैया सब क्वेश्चन करवाई दिए तो। अब आप सोचिएगा कोई टीचर हमको 500 क्वेश्चन करवा दे उसके अंदर से फंस जाए तो, मेहनत में बेमानी क्यों रख रहे हैं बाबू, शॉर्टकट से एग्जाम नहीं निकलेगा। या तो एक काम करिए ना, 30-40 लाख रुपया का जुगाड़ कर लीजिए, नौकरी मिल जाएगा बाबू, सही बता रहे हैं, वरना मेहनत कर नौकरी मिलेगा 1 लाख में। ये सब टॉपिक मैंने आपको करवाया है, एक को टॉपिक नहीं बोल सकते भैया नहीं करवाएं, ये सब टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, हर टॉपिक से। इसमें आपको अभी पीडीएफ अपडेट नहीं किए, इसके अलावा 5-6 टॉपिक मैंने और करवा दिया है क्लासी में, हम करवा दे रहे हैं। और भैया आप तो सिर्फ खड़ा होकर करवा दे रहे हैं, आपका क्या है, अरे मेरा कुछ नहीं है, हम क्वेश्चन एक क्लास रेडी करने में 2-3 घंटा लग रहा है, प्लस आपको करवा रहे हैं। आपको अभी कितना बज रहा है, 5:20 हो रहा है ना, 5:20। अब आप 12 बजे तक क्या करिएगा, 1-2 बजे तक सोचो आप क्या करेंगे, ठीक है। हम तो जाएंगे अपनी बहन का लड़का का बर्थडे वहां पे, रात को 3 बजे एक क्लास और देंगे हम जीके का, ठीक है। 300 से 400 क्वेश्चन करवा देंगे, 100 क्वेश्चन और रात को करवा देंगे, 3 बजे क्लास, आप सो जाइएगा बाबू। लेकिन ना आप क्या करिएगा, सुबह उठ कर आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्लास अच्छा लगा होगा एक लाइक कर दीजिए, मेहनत करो, पागल हो जाओ मेहनत के पीछे, पागल हो जाओ, रिजल्ट कैसे नहीं आएगा, लेकिन जब दिमाग में आ जाएगा ना, 300-400 क्वेश्चन पढ़ ले हो जाएगा, 500-600 क्वेश्चन पढ़ ले हो जाएगा, भैया 100 क्वेश्चन करवा दीजिए ना इंपॉर्टेंट, तब दिमाग में डाउट आता है, तब ना